कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सो का शोडाउन। मैं हूं स्मृति शर्मा, सीनियर मेंटर लीगल एज, और आज हम बात करने वाले हैं एनएलयू सोनीपत हरियाणा के बारे में। एंड आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने पुराने वीडियोस भी बहुत अच्छे से देखे हैं, बिकॉज पूरा क्लैट का अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और अभी सबके दिमाग में चल रहा होगा कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज नहीं लेना है, किसको फ्रीज करें, किसको फ्लोट करें। तो नहीं देखा है तो फटाफट जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो सो की शोडाउन, और सारे वीडियोस वन गो में देख लेना। आज एनएलयू सोनीपत के बारे में हम लोग इन एंड आउट जानेंगे, देखेंगे कि नए कॉलेजेस में सोनीपत हरियाणा कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या मुझे कॉलेज चूज करना चाहिए या अभी थोड़ी सी रैंकिंग में शफल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएलयू सोनीपत के बारे में। ऑलरेडी आपको कौन सी चीजें आइडिया है या थोड़ा बहुत पता है। 2012 में एनएलयू सोनीपत स्टैब्लिश हो गया था, पर उनका पहला बैच 2012 से स्टार्ट नहीं हुआ था, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था। द वेरी फर्स्ट बैच वाज एडमिटेड इन 2019-20 का सेशन। अभी 2019-20 के अगर सेशन में कोई आया है तो 21, 22, 23, 24 चार साल बाद यानी 2019 से लेके प्लस 4 इयर्स आपका फर्स्ट बैच ही ग्रेजुएट 24, 25 वाले सेशन में हुआ होगा। ओके, या होगा मतलब कि हमारे पास कोई भी फर्स्ट बैच नहीं है, कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी एलुमनाई स्ट्रक्चर अभी तक सोनीपत हरियाणा का एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो कंपैरेटिवली एनएलयू में बहुत ब्रांड न्यू है, बट कुछ प्लस पॉइंट इस कॉलेज के लोकेशन वाइज है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, जो कि एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है, एक आउटलुक हो सकता है कि इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो फॉरवर्ड विद द एनएलयू टैग। ओके, सो लेट्स गो विद इट एंड लेट्स सी कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें कंसिडर कर सकते हैं एनएलयू सोनीपत के केस में। तो बहुत बेसिक सी नॉलेज, क्लैट के थ्रू एडमिशन होने वाला है। 45% फॉर जनरल कैटेगरी, SC ST OBC कैटेगरी के लिए 40% का मार्जिन रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग क्लैट दे चुके हैं और जो लोग आगे सोच रहे हैं क्लैट देने के लिए, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। सो आई थिंक आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अगर आपने 12th के पेपर में इतनी परसेंटेज नहीं लाई तो आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस है। टू बी वेरी 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 श्योर, बिकॉज अभी 12th बची है। लोकेशन है सोनीपत हरियाणा, राय करके एक जगह है सोनीपत हरियाणा के आसपास, वहीं पर ये लोकेशन है। इट्स इन एंड अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी यही बोल रही थी कि यार लोकेशन वाइज बहुत एडवांटेज है। सो फॉर द पीपल हु वांट टू स्टे इनसाइड और इन एंड अराउंड दिल्ली NCR, दिस इज अ गुड कॉल फॉर एक्शन। तो आप लोग जा सकते हो इस कॉलेज में पर्टिकुलरली, बिकॉज 30 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, तो बहुत टू एंड फ्रो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन जितनी भी मेजर सिटीज हैं आपकी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, वहां से भी 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। सो अप एंड डाउन करने में, और नॉर्थ रीजन में है तो ये एक थोड़ा सा और प्लस पॉइंट हो जाता है। कोर्सेज वो लोग अभी सिर्फ BA LLB ऑनर्स ही ऑफर कर रहे हैं। सो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव माइनस पॉइंट चला जाता है कि यार इतने टाइम बाद भी इतना ब्रांड न्यू है, इतना मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है, फिर भी एक ही कोर्स का ऑप्शन है, दैट इज BA LLB। ओके, सो बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स BA LLB, यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। इन एनी केस, इन द एंड इट विल गिव यू एन NLU टैग। ओके, इसके अलावा PG डिप्लोमा कोर्सेज है, कॉर्पोरेट लॉ में LLM है, PhDs है आपके, एंड सो फॉरवर्ड विद गो फॉर। मतलब आप जैसे जैसे धीरे धीरे चलते जाएंगे वैसे वैसे आगे आप कोर्सेज इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर अभी के लिए हमारे लिए BA LLB ऑनर्स ही प्रोवाइड किया जा रहा है। मूविंग अहेड, हाउ इज द यूनिवर्सिटी गोइंग टू लुक लाइक। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि लोकेशन वाइज दिल्ली से बहुत क्लोज है। सो एयर, रेल एंड रोड नेटवर्क बहुत अच्छा एस्टैब्लिश है। जितने भी मेजर पॉइंट हैं स्टेट के, नेशन के, अगर अपन बात करें तो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली नेशनल कैपिटल से तो अपने 30 किलोमीटर्स का है, एंड स्टेट कैपिटल चंडीगढ़ से, यूनियन टेरिटरी से 215 किलोमीटर के आसपास है। तो नॉर्थ में भी बहुत आइडियली लोकेटेड है। इसके अलावा दे हैव सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दे हैव वेल डिजाइंड लाइब्रेरी, द स्ट्रक्चर इज फिल्ड और प्रिपेयर्ड विद मॉडर्न एमिनिटीज, दे हैव गेस्ट हाउस, VIP लाउंज, जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वो सब यहाँ पे है। बट सिंपल सी बात कि क्योंकि बहुत नया है तो धीरे धीरे चीजें और भी डेवलप हो रही हैं। अभी फुल ग्रोन हमने नहीं देखा है एनएलयू सोनीपत को, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट अब एनएलयू सोनीपत में जाएंगे और बाय द टाइम आप लोग ग्रेजुएट होते हो 3 4 साल 5 साल का जो टाइम पीरियड होगा आने वाला वो कॉलेज के लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है, बिकॉज लोकेशन एडवांटेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से ग्रो हो रहा है, इट्स लुक गुड। ये कुछ ग्लिम्स है कॉलेज लाइफ की जो शायद आप लोग जब पहुंच जाओगे एनएलयू सोनीपत में तो आप लोग भी कहीं ना कहीं इन क्लासरूम्स में बैठे होगे, इन जजेस के सामने कॉम्पिटिशंस कर रहे होगे, इन टीचर्स से पढ़ रहे होगे। तो यू कैन क्लियरली हैव अ लुक, अ ग्लिम्स ऑफ योर लाइफ इन एनएलयू सोनीपत। मूविंग अहेड, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है? सो जनरली बॉयज एंड गर्ल्स का भी एक ही हॉस्टल रूम है, जिसमें बॉयज के हॉस्टल का नाम है विवेकानंद हॉस्टल एंड अलियाबाई हॉस्टल इज गर्ल्स हॉस्टल। एवरी स्टूडेंट हैज बीन अलॉटेड विद एन इंडिविजुअल रूम। सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल रूम्स दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत रेयर चीज है एनएलयूज में। बहुत कम एनएलयूज ऐसे हैं जो कि सिंगल रूम प्रोवाइड करते हैं, जैसे एनएलयू उड़ीसा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, एनएलयू जोधपुर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। बाकी जितने भी एनएलयू है इनिशियली आपको शेयरिंग बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, ग्रेजुअली जब आप 4th 5th ईयर में आते हो तो आपको सिंगल रूम प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले से ही बोल रही है कि आपको इंडिविजुअल रूम ही दिया जाएगा, ठीक है। एंड एवरी हॉस्टल विल हैव अ सर्टेन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज, दैट इज टॉयलेट, वॉशरूम जो होंगे वो शेयर्ड है, ठीक है, वो कॉमन है, वो इंडिविजुअल रूम के साथ में अटैच नहीं है। काफी प्रॉक्सिमिटी है एरिया में और आपके प्लेग्राउंड्स भी हैं, छोटे मोटे गार्डन्स भी हैं हॉस्टल रूम के आसपास, सो यू कैन जस्ट गो अराउंड, गो फॉर अ वॉक और समथिंग लाइक दैट। एंड इसके अलावा सारी सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखा गया है, तो इसी हिसाब से सिक्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी रख के और कॉलेज को बनाया गया है। और क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेवलपिंग स्टेज पे है तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो सकती है, तो देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ वेरी गुड इंप्रूवमेंट व्हेन वी कम टू वेरी न्यू हॉस्टल्स, स्पेशली बिकॉज जब आप बहुत नए कॉलेज होते हो तो आपको एक प्लस पॉइंट होता है कि आप पुराने कॉलेज की गलतियों से सीख सकते हो कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे क्या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है क्या नहीं। एंड आई होप जितने भी नए एनएलयूज है वो उसी गाइडलाइन या उसी पाथ पे चल रहे हो कि यार मेरे जो पूर्वजों ने किया है, मेरे जो पुराने कॉलेजेस ने किया है उसमें मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। ओके, मूविंग अहेड, हाउ इज योर कोर मैनेजमेंट गोइंग टू लुक लाइक? सो दीज आर द 3 मेजर पर्संस हु इज होल्डिंग अप द एंटायर एनएलयू सोनीपत का स्ट्रक्चर, दैट इज वाइस चांसलर डॉक्टर अर्चना मिश्रा, चांसलर श्री बंदारू दत्तात्रेय एंड रजिस्ट्रार डॉक्टर अमित कुमार। ओके, सो दीज आर द कोर मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा कोर मैनेजमेंट से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, बट दीज आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटायर वेलबींग एंड योर एंटायर 5 ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, ये समझ लिया कि यार हॉस्टल लाइफ कैसे दिखने वाली है। बहुत जनरल जेनरिक सी है, ऐसा कोई बहुत स्पेशल पॉइंट निकल के नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इंडिविजुअल रूम मुझे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी अभी थोड़ी सी ग्रोइंग स्टेज पे, कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है काफी चीजों का, ठीक है। अब बात करते हैं सीट्स कितनी अलोकेट होगी या कितनी मुझे मिलेगी। अगर आप ओवरऑल सीट्स की बात करो, टोटल सीट्स की बात करो तो 120 सीट्स हैं BA LLB ऑनर्स के अंदर। ये 120 सीट्स 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड है, एक आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी है और एक आपकी हरियाणा स्पेसिफिक कैटेगरी है, जिसमें डोमिसाइल बेस पे आपकी सीट्स बाइफरकेट किए गई हैं, ठीक है। सो अगर ऑल इंडिया कैटेगरी की अपन बात करें तो यू कैन सी जर्नल कैटेगरी के अराउंड 41 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी की 5, शेड्यूल कास्ट की 13, ST की 7 सीट्स एंड OBC कैटेगरी की 24 सीट्स। अब ये ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का मतलब हो गया कि अगर आप जर्नल कैटेगरी को बिलोंग करते हो या आप जर्नल SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो और हरियाणा के डोमिसाइल नहीं भी हो तो भी हम इस सीट्स में फॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग अब बहुत ज्यादा इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि सीट अलोकेशन किस हिसाब से काम करता है, बिकॉज CLAT 2023 की 2 लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है और आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया होगा कि यार सोनीपत हरियाणा मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अगर मुझे अलॉट हुआ है। Moving ahead, for the students who are from Haryana, you can expect another set of good domicile seats which are being divided like this. You can take a screenshot. I'll move aside. आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स कहाँ है। आपको अभी आपकी रैंकिंग के हिसाब से वो सीट का लोकेशन का आइडिया हो गया है। और जो भी बच्चे 24-25 में पेपर दे रहे हैं, गो थ्रू द लिस्ट जो अभी CLAT कंसोर्शियम ने रिलीज करी है और ये अब बहुत लंबा चलने वाला है प्रोसेस जून तक, तो एक बार गो थ्रू जरूर करना है ताकि आपको पता चले कि हम किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और उस कॉलेज में जाने के लिए मुझे एक बेसिक रैंक स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है. ओके, नाउ मूविंग अहेड विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार रैंक का तो पता लग गया, बट मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे उस रैंक पे स्कोर अप्रोक्सीमेटली कितना लेकर आना है. अब लास्ट 2 इयर्स से क्लैट ने किया क्या है कि वो लोग सिर्फ रैंक लिस्ट रिलीज करते हैं, आपको स्कोर नहीं बताते इंडिविजुअल पर्सन का. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लाइंडसाइडेड हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने पे कि इस रैंक पे किस बच्चे का कितना स्कोर है जो कि आना चाहिए था ना. उसका मेन रीजन हो सकता है क्योंकि आपका क्लैट में रैंक सबसे प्रायोरिटी है, आपको अलॉटमेंट रैंक के हिसाब से मिलेगा. आपका स्कोर वेरी करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे. अगर डिफिकल्ट पेपर है और टॉपर ही 100 पे है तो ओवरऑल सबका स्कोर नीचे जाएगा, पर इजी पेपर है तो और टॉपर बहुत हाई रैंकिंग पे है तो सबका स्कोर बहुत अच्छा ही जाएगा या फिर गया होगा फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो उन लोगों ने स्कोर देना ही बंद कर दिया है, वो सिंपली आपको रैंक बताते हैं और किस रैंक पे किस कॉलेज का कट ऑफ गया है वो बताते हैं. तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि हमारे पास 2020 और 2021 का एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर है जिसपे हम थोड़ा सा स्कोर का आइडिया ले सकते हैं. सो 2020 में जर्नल कैटेगरी की जो रैंक गई थी वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 2000 गई है और 2000 रैंक पे 71.5 का स्कोर था. 2021 में 2040 रैंक गई है और 74.25 का रैंक स्ट्रक्चर था. जनरल कैटेगरी 2022 की अगर अपन बात करें तो 2481 की रैंक गई है. अब ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इसलिए भी हुआ है बिकॉज बहुत बार सीट एलोकेशन डिफर कर जाता है. ओके, सिमिलरली एससी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 12,000, 14,000 एंड 12,350 के आसपास की रेंज, मतलब 12 से लेके 14,000 की रैंक गई है. एसटी कैटेगरी की 18,000, 25,000, 23,000 तो विद इन 20,000 के रैंक. एंड हरियाणा का जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी 6,000, 6,200, 6,700 के आसपास रैंक गई है. तो एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरीके से देखता है. और आपने जितने भी लोगों ने 23 का पेपर दिया होगा उन्होंने अपनी रैंक अपने अभी रीसेंट सेकंड लिस्ट में भी देखी होगी, पर उस पर बहुत ज्यादा एकदम सैड मत होना या घबराना मत बिकॉज अभी भी 3 लिस्ट आना बाकी है और बहुत ज्यादा शफलिंग होने के चांसेस है बिकॉज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे. ओके, तो दिस इज द आइडियल क्लोजिंग रैंक जो गई है लास्ट 3 साल से. तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी रैंक चली जा सकती है. तो जिन लोगों को अभी ये कॉलेज नहीं मिला है बट उनको चांसेस दिख रहे हैं, होल्ड टाइट एंड होप फॉर द बेस्ट. नाउ हियर वी हैव सम मूड कोर्ट कमिटीज एंड अदर क्लब्स जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कॉलेज में जाने के बाद. अब देखो, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल टाइम आपको बोल चुकी हूँ कि एकेडमिक्स इज वन पार्ट ऑफ इट, प्लेसमेंट्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, पर आप 5 ईयर लॉ में कितना ज्यादा अपने आप को ग्रूम करते हो वो बहुत सारी चीजों पे मैटर करती है. एंड वन सच थिंग इज ज्वाइनिंग सम कमिटीज, क्लब्स एंड गोइंग इनटू कॉम्पिटिशंस. ओके, तो अगर हम सोनीपत की बात करें जो मेजर कमेटी जो उनकी है, मूड कोर्ट कमेटी, कल्चरल कमेटी, दे हैव इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल एज वेल, एक्सटेंसिव एक्टिविटीज कमेटी है, हॉस्टल कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है, बट बहुत ज्यादा सेंटर्स और रिसर्च के बारे में डेटा अभी अवेलेबल नहीं है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे. ओके, बट फॉर ऑल द स्टूडेंट जो सोनीपत में अभी हैं और देख रहे हैं या वो इतनी लाइफ जी चुके हैं जो 1920 के बैचेस हैं कि उनको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट डाउन बिलो और बताओ अपने बाकी क्लैट एस्पिरेंट्स को जो कि शायद आगे जाके आपके जूनियर होने वाले हैं कि कौन से रिसर्च सेंटर्स में वो काम कर सकते हैं, कि कौन से रिसर्च सेंटर वो ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट वो अपना सीवी बिल्डिंग बहुत अच्छा कर सके, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी ले सके. ओके, तो these are the major committees. इसके अलावा कोई रिसर्च सेंटर होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कोई ना कोई बताएगा और हम भी एक नॉलेज आएगी कि हाँ रिसर्च सेंटर एक्चुअली सोनीपत हरियाणा में किस लेवल पे एक्टिव है या नहीं एक्टिव है. ओके, अब बात करते हैं पैसे की बिकॉज पैसा तो लगने वाला है आने वाले 5 साल में. तो अगर हम जनरल कैटेगरी के हो, एससी एसटी कैटेगरी के हो या कोई स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल हो, आपकी अप्रोक्सीमेटली 1,87,000 पर एनम फीस है. ये फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है, ठीक है. तो इंडियन करेंसी में अगर अपन बात करें तो 1,87,000 के ऑलमोस्ट सब कैटेगरी पे ये फीस एप्लीकेबल है। इसके एडिशन में तो आपको ऐसे साउंड कर रहा होगा यार हमने इतनी एलएलयूज की फीस देखी, सबकी 2.5 लाख 3 लाख तक ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा यही स्ट्रक्चर है। 1,87,000 में आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो ये कि अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी हॉस्टल रूम देते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी लेते हो तो आपको 55,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस है, दे गिव यू इंडिविजुअल रूम, पर आपके लिए इस केस में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, सो द पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी, जस्ट मेक अ लिटिल नोट ऑफ इट कि आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी दे के जाओगे। एंड एडिशनली जो भी आपका एसी के चार्जेस होंगे वो भी एडिशन होंगे। जो फॉर द स्टूडेंट जो कि एसी के चार्जेस सोच रहे हैं कि यार हमें एसी वाले रूम में ही रहना है, आपको ये अनदर 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप एसी नहीं ऑप्ट करते हो, आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे को हम कंफर्टेबल, हम लोग तो वो हैं जो पंखे में भी काम चला लेंगे, देन फील फ्री टू नॉट अवेल इट। ओके, एंड यू कैन स्किप दिस पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज। सो टेंटेटिवली अगर अपन बात करें कि हम सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम में भी जा रहे हैं और एसी भी ले रहे हैं तो अनदर 75,000 प्लस 1,87,000 की ओवरऑल फीस आपको साल की पड़ेगी। ओके, सो आई होप सबको यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि यार किस तरीके से एनएलयू सोनीपत की लाइफ हमारी दिखने वाली है। ओके, सो नहीं भी तो आपको जरूर जरूर ये काम करना कि आप लोग उनका ब्रोशर बहुत अच्छे से रीड करके जाओ, ठीक है। उनकी जितनी भी वेबसाइट पे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही है उनको बहुत अच्छे से रीड करके जाना, कुछ भी मिस मत करना। एंड बिफोर वी रैप अप दिस सेक्शन, लेट्स आंसर सम एफएक्यूज जो सोनीपत के बारे में हमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। That is, are they providing placement and internship? To be very frank, we still don't know that, and neither the students. Placement cells और internship cells बहुत active हो गई हैं लास्ट कुछ सालों में NLUs की, so hopefully NLU सोनीपत की भी काफी active होगी। पर ये हमें जब तक पता नहीं चलेगा जब तक उनका first batch pass out नहीं हो जाता और वो एक median salary का idea नहीं दे देते कि कितने बच्चे place हुए और कितने कितने forms में place हुए हैं, कितने package पे place हुए हैं। What are the cutoff ranks? For the cutoff rank, go back in this video and visit the cutoff score wala. You will get a complete idea, and plus that you will get a cutoff rank idea from the second list of the CLAT 2023. Where to keep NLU Sonipat in your preference list? Okay, so generally बहुत नया NLU है, बहुत ज्यादा data record नहीं है हमारे पास उसके लिए, तो टेंटेटिवली आप टीयर 3 एनएलयूज में इसको अभी थोड़ा रख सकते हो। ओके, सो लेटर हाफ ऑफ योर एनएलयूज कैन इंक्लूड एनएलयू सोनीपत, बट इन एनी केस ऑफ एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो कंपैरेटिवली अगर आप किसी एमईटी या किसी भी इस तरीके की यूनिवर्सिटी ले रहे हो स्टेट स्पेसिफिक, जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है या गुजरात में बहुत अच्छा या कर्नाटका में बहुत अच्छा कर रही है, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सजेस्ट किया आप एनएलयू को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देना। Okay, are they taking admission through consortium? Yes, they are taking admission through consortium. CLAT के through ही आप NLU सोनीपत में जा सकते हो, otherwise you cannot. So for all the people जिनको ऐसा लग रहा है कि सोनीपत is the right college for you, do let us know in the comment box as well कि हम आप सोनीपत जा रहे हो नहीं जा रहे। एंड आई एम होपफुली आपको कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई सीनियर जरूर मिल जाएगा जो आपको इस जर्नी में बिल्कुल हेल्प आउट करेगा। Okay, for now, thank you so much for watching this video and don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you.